भले ही देश व प्रदेश की सरकार जय जवान का नारा देकर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाकर लाभान्वित करने का प्रयास कर रही हो, लेकिन यहाँ पर इन युवाओं को सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजना का कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। जो युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देश पर बुरी नजर डालने वाले दुश्मनों को धूल चटाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर सेना में भर्ती होने की तैयारी में जुटे हुए हैं, मगर स्टेडियम के अभाव में ये सैकड़ों युवा सड़क पर दौड़कर सेना में भर्ती होने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि गांव दोहला को 16 जुलाई 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गोद लिया था, लेकिन अब तक युवाओं को प्रैक्टिस करने के लिए न किसी तरह के स्टेडियम का निर्माण कराया गया है और न ही दौड़ने के लिए किसी तरह का कोई ट्रैक बनाया गया है। मजबूरन होकर सड़क पर ही दौड़ना पड़ता है, जहां पर मौत का डर बना रहता है कि दौड़ लगाते समय कोई वाहन चालक किसी को अपनी चपेट में न ले ले। लेकिन इस बात की परवाह न तो स्थानीय प्रशासन को है और न ही सरकार के नुमाइंदों को। यहाँ रह रहे मतलब 2016 में राष्ट्रपति ने हमारा गांव गोद लिया था, जिसे अब 4 या 5 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ प्रोग्रेस तो हुई है, गांव में हो गए, लेकिन बच्चों के लिए कोई मतलब खेलने के लिए सुविधा नहीं है। बच्चे दौड़ मारते हैं, आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है सर। मतलब और इन्होंने क्या किया है, कोई भी स्टेडियम वगैरह कुछ भी बना के नहीं गया, हम सड़क पर ही दौड़ मारते हैं, जिसके कारण कोई भी हादसा हो सकता है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाहन वगैरह जाते रहते हैं, हमें सड़क पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। कुछ स्टेडियम नहीं है आपके गाँव में? स्टेडियम नहीं है हमारे यहाँ पर। 2016 में राष्ट्रपति ने काम खोल दिया था, यहाँ पर हम रोड पर प्रैक्टिस करते हैं। 17 तारीख को हमारी आर्मी की भर्ती है और हम यहाँ पे डर रहता है कि कोई वाहन आके हमें टक्कर मार जाए, चोटिल हो जाए या फिर कोई और व्यवस्था बन जाए। सरकार से क्या मांगे आपकी? हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक अच्छा सा ग्राउंड हो, दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया जाए और स्टेडियम वगैरह हो। वैसे तो हम यहाँ पे दोहला गांव ने हमारा गांव राष्ट्रपति ने गोद ले रखा है और ना हमारे गांव में स्टेडियम है। हम सारे बच्चे यहाँ पे रोड पर प्रैक्टिस करते हैं और इतने सारे वाहन चलते हैं, कोई हादसा हो जाए तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे गांव में एक स्टेडियम बनाया जाए, जिससे बच्चे ढंग से यहाँ मेहनत कर सकें और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। वहीं युवाओं के लिए स्टेडियम की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सतबीर पहलवान ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार युवाओं के लिए घोषणाएं तो बहुत करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे हादसे शिकार का वो नहीं है, हुए हैं। कई बार आपने रोड पर देखा होगा दौड़ते हुए बच्चों के ऊपर गाड़ियां चढ़ गई हैं। तो हालात ये है कि बच्चों, सरकार को गाँव में स्टेडियम, अच्छे स्टेडियम बनाने चाहिए, अच्छे कोच उपलब्ध कराने चाहिए। अगर सरकार इतना भी कुछ नहीं करती, और रोड के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं गाँव में, पंचायती जमीन है, जिनमें कम से कम बच्चों के लिए घूमने के लिए या दौड़ लगाने के लिए कोई ट्रैक ही बना दे, कम से कम बच्चे उन पर दौड़ ले तो इन हादसों का शिकार तो ना हो, ये व्यवस्था तो सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार इन चीजों को भी नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में पंचायतों के पास जमीन है, लेकिन सरकार ने युवाओं के लिए किसी तरह का कोई स्टेडियम नहीं बनवाया है और ना ही दौड़ने के लिए किसी तरह का ट्रैक, जबकि ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जिन युवाओं की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज उन युवाओं को सड़क पर दौड़ने व प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे युवाओं के साथ हादसे भी घटित हो रहे हैं। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी।